हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सिंपल है, कहा जा रहा है देयर आर 25 टेलीफोन्स इन जिक्सलैंड, यानी कि जिक्सलैंड में 25 टेलीफोन है। इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट देम विथ वायर्स सो दैट टेलीफोन इज कनेक्टेड विथ एग्जैक्टली 7 अदर्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 टेलीफोन जिक्सलैंड में है, क्या यह पॉसिबल है कि प्रत्येक टेलीफोन जो है ना बाकी 7 से जो है ना एग्जैक्टली कनेक्टेड हो। यानी कि अगर हम कहें यहाँ पे ए एक टेलीफोन है और यहाँ पे एक और हम लेते हैं बी भी, एक क्या है यहाँ पे टेलीफोन है, तो कहा जा रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि सभी जो है ना 7 एग्जैक्टली वायर से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर एक को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि एक कनेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद में ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवा हो गया, यानी कि एग्जैक्टली 7 से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्राफ थ्योरी का हेल्प लेंगे और ग्राफ थ्योरी का हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि नोड होते हैं और एज होते हैं। नोड को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं और जो वायर्स है यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे। तो वर्टेक्स हो गया, जैसे कि यहाँ पे इस केस में वर्टेक्स यहाँ पे ए और बी हम कंसिडर कर लिए, और यहाँ पे अगर एज की बात करेंगे तो एज क्या हो गया, यहाँ पे वायर हो गया। तो एज कितना यहाँ पे हो रहा है, 7 हो रहा है। ए और बी के बीच कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, 25 टेलीफोन है और 25 टेलीफोन का रहा कि क्या ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली सारे टेलीफोन जो है ना साथ साथ से जो है ना कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि अगर ए है तो 7 से कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे सी है तो भी क्या है, 7 से यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, इस तरह से जो है ना कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि वर्टेक्स और एज का यहाँ पे हेल्प लेंगे। हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, जितने भी उस पे एज इनकमिंग और आउटगोइंग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्सेस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं की जा रहा है, सिर्फ वायर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर बी का हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 वायर इससे कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार से अगर ए का निकालते हैं तो कितना जगह, 7। अगर सी का निकालते हैं तो कितना जगह, 7, क्योंकि 7 से कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार से अगर 25 हमारे पास टेलीफोन है और सभी को 7 से कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स हमें मिलेगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स मिलेगा वो टोटल मिल जाएगा, हमारे पास 25 है और एक का डिग्री ऑफ वर्टेक्स 7 है तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है वो 2 × नंबर ऑफ एज के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी होता है और यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे ए और बी के बाद बीच में बात करेंगे तो ए और बी के बीच में कितने आपको है, 7 एज है। एज की संख्या कितना है, 7 है। एज की संख्या कितना है, 7 है। लेकिन और ए और बी का डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालेंगे तो 7 बी का हो गया और 7 ए का हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया, दोगुना हो जा रहा है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो होता है 2 × नंबर ऑफ एज के बराबर, 2 × नंबर ऑफ कुल एज के बराबर, नंबर ऑफ एज के बराबर। और डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना आ गया है, 175 आ गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर एज हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ एज यानी कि वायर्स की संख्या जगह 175 डिवाइड बाई 2, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और 1/5 यानी कि 2 7 जा 14 और 0.25 जा 10, तो यहाँ पे 87.5 यानी कि 87.5 को वायर लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना वैल्यू आया है वो इंटीजर वैल्यू नहीं आया है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और वायर फ्रैक्शन में हमको यूज नहीं करना है, हमको एग्जैक्टली यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या यह पॉसिबल है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि जो वायर्स के जो वैल्यू आया हुआ है वो इंटीजर नहीं है। यही कारण है कि 25 टेलीफोन्स को बाकी एग्जैक्टली सभी से साथ साथ से कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है।